हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इंस्पायर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सर आपको आज स्टेटिस्टिक्स का पार्ट टू पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो आइए समझते हैं स्टेटिस्टिक्स का पार्ट टू क्या है। देखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टेटिस्टिक्स के पार्ट वन में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया हुआ है आपको क्या पढ़ा है, हम लोगों ने एक माध्य पढ़ा था, माध्यिका पढ़ा था, और साथ में हम लोगों ने बहुलक पढ़ा था पार्ट वन में। अब उसके बाद हम लोग पार्ट टू लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। पार्ट टू में आप लोग देखेंगे कि सांख्यिकी में एक हम क्या पढ़ने वाले, आपके पास एक सीमा, एक रेंज पढ़ने वाले, परिसर कहा जाता है जिसे, रेंज पढ़ने वाले हम लोग। तो सीमा, रेंज, परिसर जिसे हम लोग रेंज कहते हैं, ये पढ़ने वाले हम लोग, ये टॉपिक्स पढ़ने वाले। साथ में हम लोग बहुलक पढ़ने वाले, बहुलक, माध्य और माध्यिका में संबंध पढ़ने वाले, ये माध्यिका में संबंध पढ़ने वाले बच्चों। साथ में हम लोग माध्य विचलन क्या होता है, इस माध्य विचलन को समझने वाले, जिसे हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं, मीन डेविएशन कहा जाता है, ये समझने वाले हम लोग। उसके बाद हम लोग प्रसरण, जिसे हम लोग किसे शो करेंगे, हमेशा सिग्मा स्क्वायर से शो करेंगे, ये होता है प्रसरण। प्रसरण में सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मोड का होल स्क्वायर अपॉन एन करेंगे। साथ में हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, साथ में हम लोग इसे मानक विचलन पढ़ने वाले कि मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन जिसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, मानक विचलन जो वर्गमूल होता है किसका, प्रसरण का वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास मानक विचलन निकल के आ जाएगा। साथ में हम लोग विचरण गुणांक पढ़ने वाले, विचरण गुणांक को हम लोग कहते हैं कोफिशियंट ऑफ वेरिएशंस, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन में हम लोग माध्य से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास फार्मूलाज बन जाएगा विचरण गुणांक का। तो ये सभी फार्मूलाज आपके पास दिए हुए हैं, वन बाई वन इसे हम लोग पढ़ने वाले। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया हुआ आपको कि हम लोग रेंज, सीमा, रेंज, परिसर जिसे हम लोग रेंज कहते हैं, ये रेंज आपके पास है, दिया हुआ है आपके पास रेंज पढ़ने वाले। तो रेंज आपके पास क्या, परिसर है। रेंज क्या है बच्चों, परिसर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि सीमा क्या होती है, रेंज क्या होती है, उच्चतम वैल्यू में से यदि हम लोग निम्न वैल्यूज या हाइएस्ट वैल्यूज में से हम लोग लोवेस्ट वैल्यूज को माइनस करते हैं तो ये क्या होगा बच्चों, आपके पास एक सीमा, रेंज, परिसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये सीमा, रेंज, परिसर निकल जाएगा। तो रेंज क्या होती है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यूज होती है, जो आपके पास फार्मूलाज दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि समझते हैं बहुलक, माध्य और माध्यिका, बहुलक, माध्य और माध्यिका में हम लोग संबंध निकालते हैं, संबंध देखने वाले हम लोग। संबंध क्या होता है आपके पास, बहुलक क्या होता है बच्चों, बहुलक होता है जेड होता है, थ्री एम माइनस टू एक्स बार, थ्री एम माइनस क्या होता है आपके पास, टू एक्स बार होता है। तो माध्यिका, माध्यिका और ये माध्य, माध्यिका और माध्य आपके पास दिया हुआ है। तो बहुलक इजिकल टू, बहुलक का फार्मूला क्या यूज करेंगे, थ्री एम माइनस टू एक्स बार यहाँ पे माध्य होगा, एम आपके पास माध्यिका होगी। इससे रिलेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस रिलेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट में हम लोग समझने वाले कि नेक्स्ट में हम लोग माध्य विचलन क्या होता है, माध्य विचलन जिसे हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं हम लोग, मीन डेविएशन कहते हैं। मीन डेविएशन की हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, परिभाषा दी हुई है कि जब किसी श्रेणी के सभी पदों का विभिन्न माध्यों मतलब आपके पास माध्य से, माध्यिका से, जेड, जेड आपके पास दिया हुआ है, जेड से विचलन, विचलन आपके पास विचलन ज्ञात कर प्राप्त होने वाले सभी विचलनों को धनात्मक मानकर इनका समांतर माध्य से ज्ञात किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्य विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग इसे माध्य विचलन कहते हैं। तो माध्य विचलन याद रहे, कभी भी आप लोग, मैं बता दूं माध्य विचलन हम लोग कैसे निकालेंगे, माध्य से निकालेंगे, माध्यिका से निकालेंगे और साथ में किससे निकालेंगे, बहुलक से निकालेंगे। माध्य विचलन कब दिए हुए आंकड़ा जो दिया रहेगा आपके पास, उसमें से क्या करेंगे हम लोग, माध्य जो आपके पास एक्स बार या समांतर माध्य होगा उसमें से हम लोग माइनस करके उसकी नेगेटिव वैल्यूज जो होगी आपके पास उसे हम लोग धनात्मक में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज धनात्मक में कन्वर्ट होगी और साथ में हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आपका पास नंबर आप आंकड़े से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, नंबर आप आंकड़ों से। ये आपके पास मीन डेविएशन, माध्य विचलन का फार्मूला दिया हुआ है आपके पास। माध्य विचलन में हम लोग क्या करेंगे, जो आंकड़ा है उसमें से सिर्फ माइनस करेंगे, माध्य से माइनस करेंगे और साथ में नंबर ऑफ मीन, नंबर ऑफ आंकड़े से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा आपके पास, माध्य विचलन निकल जाएगा। माध्य विचलन जहाँ पे x क्या होगा आपके पास, x दिया हुआ है बच्चों आपके पास x की वैल्यूज दी हुई है, एक बार फिर से देखेंगे आप लोग। यहाँ पे x आपके पास क्या होगा बच्चों, आंकड़ों की संख्या होगी। क्या होगी आपके पास, आंकड़ों की संख्या होगी, आपके पास आंकड़ों की संख्या होगी।
एक्स बार क्या होगा आपके पास, यहाँ पे माध्य होगा, माध्य होगा यहाँ पे, और एन क्या होगा आपके पास, एन जो आपके पास, जो आपके पास आंकड़ा दिया हुआ है उसे आप लोग काउंट करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, आपके पास एन की वैल्यू से निकल जाएगी। तो आप लोग एक्स माइनस एक्स बार को आप लोग एन से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ आंकड़ों से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, माध्य विचलन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, माध्य विचलन निकल जाएगा। और साथ में आपके पास, मैं सीधा किस पे आते हैं हम लोग, प्रसरण पे आते हैं। प्रसरण क्या आपके पास, प्रसरण जो आपके पास दिया हुआ है, प्रसरण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, वेरियंस बोलते हैं। और वेरियंस का फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, वेरियंस को हमेशा किससे शो करेंगे हम लोग, सिग्मा स्क्वायर से शो करेंगे। आपके पास मैंने बताया हुआ है जैसे कि प्रसरण जो वेरियंस होगा आपके पास, वेरियंस को हम लोग किससे शो करेंगे, एक सिग्मा स्क्वायर से शो करेंगे। और सिग्मा स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का मॉड का होल स्क्वायर अपॉन एन, मतलब आपके पास इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, हमारे पास एक डेफिनेशन दी हुई है कि श्रेणी के सभी पदों का समांतर माध्य से निकाले गए विचरणों के वर्गों का समांतर माध्य प्रसरण कहलाता है। प्रसरण मतलब आपके पास दिया हुआ है कि जब भी एक्स माइनस एक्स बार होगा आपका, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड का होल स्क्वायर करेंगे और एन से डिवाइड करेंगे, इसमें आपको वेरिएंस में, प्रसरण में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायर करना पड़ेगा। प्रसरण होगा आपके पास, विचरण होगा, और क्या होगा, प्रसार होगा, जिसे हम लोग वेरियंस कहते हैं। तो इसमें हम लोग स्क्वायर करके नंबर ऑफ आंकड़ों से डिवाइड करेंगे तो हमारे वेरियंस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, वेरियंस निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, मानक विचलन पे आते हैं। मानक विचलन पे आते हैं हम लोग, मानक विचलन पे आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से शो करते हैं, हमेशा सिग्मा से शो करते हैं। और जब भी याद रहे मैं बता दूं आपको कि सिग्मा कैसे निकलता है, प्रसरण का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। प्रसरण आपके पास दिया हुआ है, प्रसरण को जब भी हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में कन्वर्ट करेंगे या स्क्वायर रूट ऑफ प्रसरण, क्या कहलाएगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन। और जब प्रसरण आपको निकालना हो तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जैसे कि आपके पास दिखाई दे रहा है कि प्रसरण का वर्गमूल ही मानक विचलन कहलाता है। सबसे शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, एक लाइन में डेफिनेशन समझिए आप लोग कि प्रसरण का वर्गमूल, ये प्रसरण का वर्गमूल ही क्या कहलाता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन कहलाता है। इस मानक विचलन में आप लोग देखा, मानक विचलन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक या कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं हम लोग इसे, हम लोग विचरण गुणांक से शो करते हैं। विचरण गुणांक होता क्या है बच्चों, जब भी आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन को आप लोग एक माध्य से डिवाइड करेंगे और साथ में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, विचरण गुणांक निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होगा आपके पास, मानक विचलन, जिसे मानक विचलन बोलते हैं। एम मतलब यहाँ पे क्या होगा, माध्य होगा बच्चों। एम मतलब क्या होगा यहाँ पे, माध्य होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन होगा। साथ में आप लोग देखिए विचरण गुणांक क्या होता है, मानक विचलन का एक प्रतिशत रूप है। प्रतिशत रूप है, 100 का मल्टीप्लाई किया हुआ है हम लोगों ने, इसलिए कहा जा रहा है इसमें कि प्रतिशत रूप है, प्रतिशत परसेंटेज फॉर्म है ये। और साथ में कहा गया है कि दो या दो से अधिक श्रेणियों में अपकिरण की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे साथ में एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है आपके पास बच्चों कि अधिक से अधिक श्रेणी आपके पास, दो या दो से अधिक श्रेणी है, उसमें आप लोग क्या करेंगे, अपकिरण की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का उपयोग करते हैं। किसी भी आप लोग डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, विचरण गुणांक का यूज करेंगे। एक शॉर्ट लाइन में आपके पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एम इंटू 100, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया बच्चों। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक्स में आप लोगों ने विचरण गुणांक समझा, विचरण गुणांक ही आपका लास्ट टॉपिक है। विचरण गुणांक के बाद हम लोग जो आपके पास इनके साथ में वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या आपके पास बच्चों, सीमा और रेंज निकालना। मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है कि जो आपके पास सांख्यिकी का पार्ट टू है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है सीमा, रेंज, परिसर, रेंज। इसमें हम लोग क्या करने वाले बच्चों, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वन बाय वन। चलो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में डाटा का परिसर क्या है, डाटा का परिसर या रेंज बताना है हमें। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 35, 40, 25, 27, 38, 45, 50, 65, ये आपके पास दिया हुआ है।
तो रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू देखिए, हाईएस्ट वैल्यूज माइनस लोवेस्ट वैल्यूज, हाईएस्ट वैल्यूज माइनस लोवेस्ट वैल्यूज क्या होगा बच्चों आपके पास? हाईएस्ट वैल्यूज मतलब आपके पास 65 में से कितना माइनस करेंगे बच्चे आपके पास? आपके पास लोवेस्ट वैल्यूज कौन सी दिख रही है आपके पास? देखेंगे आप लोग 25 आपके पास लोवेस्ट वैल्यूज है। इस 25 को आप लोग माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, ये आपके पास दिख रहा है बच्चों 40। कितना दिख रहा है आपके पास? 40 दिख रहा है। 40 क्या होगी? इसकी रेंज होगी, मतलब हाईएस्ट वैल्यू में से आप लोगों ने लोवेस्ट वैल्यूज को माइनस किया और आपकी क्या निकल गई? रेंज निकल गई। तो ये आपके पास क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोग देख रहे हैं, एक आपके पास रेंज निकालना है 12, 22, 7, 1, 5, 27, 30, 43 है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें भी हमें रेंज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज क्या होती है मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, रेंज कभी भी हम लोग कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट वैल्यूज माइनस लोवेस्ट वैल्यूज है आपके पास। चलो आइए देखिए आप लोग, सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू आपके पास दिख रहा है यहाँ पे 43 दिख रहा है बच्चों। क्या दिख रहा है आपके पास? 43 आपके पास हाईएस्ट वैल्यूज है। 43 में आप लोग एक लोवेस्ट वैल्यूज आपके पास 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है आपके पास, 1 को माइनस कर दीजिए आप लोग, तो आपकी रेंज निकल जाएगी। कितनी होगी रेंज बच्चों आपके पास? 42। कितनी होगी? 42 होगी आपके पास रेंज। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया जिसकी रेंज 42 है। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक एक डाटा दिया हुआ है, उपरोक्त डाटा का रेंज आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें? रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज क्या है? तो रेंज यहाँ पे आपके पास एक एक्स की वैल्यूज दी हुई है और साथ में आपके पास एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप लोग कैसे करेंगे? जब भी आपके पास एक्स दिया हुआ तो आप लोग क्या करेंगे, इस एक्स में से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। एक्स में सबसे पहले हाइएस्ट वैल्यू आपके पास दिख रही है, हाइएस्ट वैल्यूज आपके पास दिख रही है, रेंज निकाल लीजिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यूज। तो हाईएस्ट वैल्यूज आपके पास कितनी बच्चों? 67 है और साथ में लोवेस्ट वैल्यूज कितनी आपके पास? 21 है। एक्स की वैल्यूज देखिए आप लोग, 21, 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 2 गया, कितना हो गया बच्चों आपके पास? 46। कितना हो गया आपके पास? 46 हो गया। तो 46 में से आप लोगों ने देखा कि रेंज इसकी मैंने 46 निकाला, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। जब भी आपके पास एक्स और एफ दिया हो, एक्स की वैल्यूज दी हो, ये एक्स है आपके पास और ये आपके पास एफ है, तो आप लोग जो रेंज निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे? एक्स वैल्यू से निकालेंगे। तो ये रेंज आप लोगों ने निकाला, बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बहुलक माध्य माध्यिका में संबंध आपको निकालना है। संबंध जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है इसके पहले फार्मूले में कि संबंध हम लोग कैसे निकालते हैं, दिए हुए आपके पास संबंध होता है, एक फार्मूला होता है। चलो मैं आपको बता दूं फार्मूला आपके पास क्या दिया हुआ है। बहुलक 3m आपके पास एक फार्मूला होता है, बहुलक को हमेशा जेड से शो करेंगे, जेड इजिकल टू 3m 3 3 इंटू m 3m माइनस 2x पे बार। कितना होगा बच्चों यहाँ पे? 2x पे बार होगा। ये आपके पास एक रिलेशन होता है बहुलक में, माध्यम में और माध्यिका में, ये आपके पास एक संबंध होता है। इस संबंध में आप लोग की वैल्यूज रखिए, बहुलक जेड की वैल्यूज रखिए, जेड कितना दिया आपके पास? 28 दिया हुआ है। जेड कितना दिया हुआ बच्चों आपके पास? 28 दिया हुआ है, 28 रख दीजिए। उसके बाद 3 इंटू m माध्यिका दी हुई आपके पास, माध्यिका आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया क्वेश्चन में, माध्यिका आप जैसा का वैसा रखेंगे, माइनस 2 इंटू x बार कितना होता है आपके पास? x बार मतलब माध्य दिया हुआ आपके पास, 4 दिया हुआ आपके पास, 4 दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है आपके पास। आप लोग क्या करेंगे इसमें वैल्यूज में रख दीजिए, 28 इजिकल टू 3 3m हो जाएगा, माइनस 2 इंटू x बार आपके पास दिया हुआ है बच्चों, एक्स बार 2 इंटू 4 कितना होगा आपके पास? 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 आप लोग यहाँ पे 8 रख दीजिए। साथ में 28 माइनस 8 को लेके आइए आप लोग, कितना हो जाएगा? प्लस 8 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा, 3m हो जाएगा आपके पास। साथ में आप लोग 28 और 8 को प्लस करेंगे, 8 और 8 16 कितना हो गया? 36 इजिकल टू 3m हो गया आपके पास। स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते हुए जाना है।
36 में आप लोग कितने से डिवाइड करेंगे, आप लोग 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया आपके पास, आप लोग देखिए एम निकल जाएगा माध्यिका, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, तो एम आपके पास निकल के आ गई बच्चों, एम इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, एम इजिकल टू 12 हो जाएगा। तो 3 12 कितना हो गया, 36 इजिकल टू एम, मतलब एम मतलब आपके पास माध्यिका निकल के आ गई इस क्वेश्चन की, माध्यिका माध्यिका आपके पास आई है 12, कितनी आई है बच्चों आपके पास 12 आई हुई है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माध्य माइनस माध्यिका इजिकल टू कितना आपके पास 26 है, आपके पास कितना दिया है बच्चों, माध्य माइनस माध्यिका इजिकल टू 26 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ है, जेड इजिकल टू 3m माइनस 2x पे बार दिया हुआ है, ये आपके पास एक रिलेशन होता है, रिलेशन ये फार्मूला यूज करना है आपको, माध्य माइनस माध्यिका, माध्य मतलब एक्स बार माइनस कितना है माध्यिका, माध्यिका इजिकल टू कितना है बच्चों आपके पास 26 है, 26 यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें माध्य माइनस बहुलक लाना है अपने को, क्या लेके आना है बच्चों, इसमें माध्य माइनस माध्यिका लेके आना है, और माध्य माइनस माध्यिका कैसे निकालेंगे आप लोग, बताया हुआ मैंने आपको, माध्य माइनस माध्यिका कैसे निकालेंगे, जेड इजिकल टू 3m माइनस 2x बार आपके पास एक रिलेशन होता है, रिलेशन होता है आपके पास, और रिलेशन में आप लोग देखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले रिलेशन निकालेंगे आप लोग, रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसमें माध्य में से माध्यिका को माइनस करके 26 आता है, तो आप लोग माध्य माइनस बहुलक एक्स बार माइनस जेड की वैल्यू सबको फाइंड आउट करना है, एक्स माइनस जेड की वैल्यू सबको फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, आप लोगों ने मैंने आपको बताया हुआ है कि रिलेशंस क्या होता है, जेड इजिकल टू 3m माइनस 2x बार होता है, ये रिलेशंस होता है आपका, रिलेशंस होता है, और यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है कि माध्य आपके पास माध्य दिया हुआ है, माध्य माइनस माध्यिका मतलब एक्स बार माइनस एम इजिकल टू कितना आपके पास 26 दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे आप लोग क्या करें, माध्य की वैल्यू से निकाल लीजिए, माध्य माइनस 26, या इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग कन्वर्ट करिए, एक्स बार माइनस 26 इजिकल टू एम को लेके जाइए आप लोग, क्या हो जाएगा आपके पास, एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, एम हो जाएगा, एम की वैल्यूज हो जाएगी आपके पास। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एम के प्लेस पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इजिकल टू 3, एम के प्लेस पे आप लोगों ने क्या रख दिया, एक्स बार माइनस 26 रख दिया आप लोगों ने, 26 माइनस 2x बार हो गया आपके पास, ये आप लोग एक्स बार की वैल्यू से यहाँ पे एम की वैल्यूज रख दीजिए, एम मतलब माध्यिका की वैल्यूज रख दीजिए ऐसे क्वेश्चनों में, तो 3 इजिकल टू 3x बार माइनस 3 6 18, 3 2 6 कितना हो गया, माइनस 78 हो गया बच्चों, 78 हो गया, और साथ में आप लोग क्या करेंगे, माइनस 2x बार कर दिया आप लोगों ने, माइनस 2x बार कर दिया, अब 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए आप लोग, तो जेड निकल जाएगा आपके पास, 3 में से 3x बार माइनस 78 माइनस 2x बार, तो 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए आप लोग, कितना होगा आपके पास, x बार होगा, x बार माइनस 78, जेड इजिकल टू x बार माइनस 78 आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया आप लोगों ने, साथ में आप लोगों ने x बार को लेके आइए आप लोग, जेड माइनस x बार इजिकल टू 78 होगा आपके पास, कितना होगा बच्चों, 78 होगा। तो आप लोगों ने देखा जेड मतलब आपके पास बहुलक होता है, बहुलक में से कितना माइनस क्या माइनस किया आप लोगों ने, माध्य को माइनस कर दिया, इस माध्य को माइनस कर दिया आप लोगों ने, तो बहुलक में से इस माध्य को माइनस किया, या आप लोगों ने देखा आपको क्या निकालना है बच्चों, माध्य में से बहुलक माइनस करना है, माध्य में से या आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में कैसे देखा बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन को फिर से चेक करिए, एक्स बार 78 को लेके आइए इधर पे, कितना हो जाएगा प्लस 78 इजिकल टू एक्स बार इस जेड को लेके आइए राइट साइड पे, क्या हो जाएगा एक्स बार माइनस जेड, मतलब आपके पास क्या होगा, माध्य माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, बहुलक हो जाएगा, जो कि आपको लेके आना था इस क्वेश्चन में आपको लेके आना था बच्चों, क्वेश्चन में लेके आइए आप लोगों ने माध्य में से बहुलक माइनस कर दिया, माध्य माइनस क्या होगा बच्चों, बहुलक, तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी आपके पास, 78, कितनी आई हुई आपके पास वैल्यूज, 78 आई हुई है, 78 आई हुई इसकी वैल्यूज, जो कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस, आई होप कि क्वेश्चंस अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, किस पे आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है आपके पास कि बहुलक आपके पास दिया हुआ है, जेड की वैल्यूज दी हुई है आपके पास 49, कितनी दी हुई है आपके पास, जेड की वैल्यूज दी हुई है 49, साथ में आप लोगों ने माध्यिका निकाला, आप लोगों ने माध्यिका एम निकाला,
माध्यिका दिया हुआ है, एम की वैल्यू दी हुई है 33 दी हुई है आपके पास। साथ में आप लोग बहुलक इंटू मोदक, बहुलक इंटू माध्य करेंगे, आप लोग बहुलक का मल्टीप्लाई माध्य से करेंगे, आपको फाइंड आउट करके लेके आना है। तो आप लोगों मैं बता दूं, सबसे पहले रिलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, फार्मूला यूज करिए, 3m - 2x बार, ये आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, 3m - 2x बार, ये आपके पास रिलेशन है बच्चों। इस रिलेशन में आके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं जेड, जेड आपके पास कितना है बच्चों, आपके पास 49 दिया हुआ है, जेड कितना दिया हुआ आपके पास, जेड कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, और साथ में कितना दिया हुआ है 3 × m, माध्यिका दी हुई आपके पास 33, माध्यिका कितनी दी हुई बच्चों आपके पास 33 दी हुई है। साथ में आपके पास एक 2x बार, एक्स बार आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स बार आपके पास दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करिए, एक्स बार जैसा का वैसा रख दीजिए, -2x बार, इस -2x बार को आप लोग जैसा का वैसा रख दिया आप लोगों ने। देन उसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग, 49 = 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, 3 3 9 हो गया 99, -2x बार हो गया आपके पास कितना हो गया बच्चों, 2x बार हो गया, 2x बार निकाल दिया आप लोगों ने, इस 99 को, इस 2x बार को लेके आइए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में, 2x बार हो जाएगा आपके पास इजिकल टू 99, 99 में से इस 49 को माइनस कर दिया मैंने, तो 9 में से 9 हो गया कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया, कितना हो गया आपके पास 2x बार हो गया आपके पास, तो 2x बार इजिकल टू कितना हो गया बच्चों आपके पास 50 हो गया, 50 हो गया। यहाँ से आप लोग आगे सॉल्व करेंगे, 2x बार इजिकल टू कितना हो गया आपके पास 50 हो गया, साथ में आप लोग देख रहे हैं x बार इजिकल टू 50/5 कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, तो x बार इजिकल टू कितना हो गया आपके पास 25, कितना हो गया बच्चों 2n + 2 और कितना हो गया 25 हो गया, 25 हो गया आपके पास। ये आप लोगों ने एक्स बार निकाल लिया, क्या निकाल लिया बच्चों, इस एक्स बार की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया आप लोगों ने, एक्स बार आप लोगों ने 50 निकाल लिया, 50 को आप लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया आपके पास 25 हो गया, कितना हो गया बच्चों आपके पास 25 हो गया। साथ में आपके क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, क्वेश्चंस में कहा गया आपके पास कि बहुलक और माध्य का दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन में क्या कहा गया आपके पास, बहुलक और माध्य का मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लेके आना है। तो बहुलक आप लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है, बहुलक आपके पास दिया हुआ है कितना दिया आपके पास 49 दिया हुआ है बच्चों, आपके पास आगे क्वेश्चन सॉल्व करने, आपके पास आगे क्वेश्चन भी है कि बहुलक का मल्टीप्लाई आप लोगों को माध्य से करना है, बहुलक मतलब जेड, जेड का मल्टीप्लाई आपको एक्स बार से करना है, जेड आपके पास दिया हुआ है बच्चों, जेड आपके पास 49 दिया हुआ है, 49 आपके पास दिया हुआ है, इस 49 × x बार कितना होगा आपके पास 25 होगा, कितना होगा बच्चों आपके पास 25 होगा, 49 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे आप लोग, 49 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, मल्टीप्लाई करना आता है हमें, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यूज कितनी आएगी बच्चों 1225, कितनी आएगी 1225, मल्टीप्लाई करिए आप लोग, एक साइड में आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 49 का मल्टीप्लाई जब आप 25 से करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1225, 1225 की वैल्यूज आएगी, एक फिक्स वैल्यूज आएगी। तो आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जेड में आप लोगों ने रिलेशन देखा हुआ है, रिलेशन आपके पास पहले से ही है कि जेड इज इक्वल टू 3m - 2x बार, ये रिलेशन आपके पास पहले से बना हुआ है। तो इसके बाद आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने जो वैल्यूज लेके आई, कितनी लेके आई आप लोगों ने 1225 लेके आई आप लोगों ने। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके माध्य विचलन के क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है। माध्य विचलन क्या होता है बता दूं मैं सबसे पहले, तो माध्य विचलन का एक फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, माध्य विचलन, माध्य विचलन कैसे निकालते हैं बच्चों, लिख लीजिए आप लोग माध्य विचलन, माध्य विचलन इज इक्वल टू समेशन x - x बार अपॉन में कितना होगा बच्चों n होगा, कितना होगा आपके पास n होगा, समेशन x - x बार अपॉन n होगा आपके पास। आगे आप लोग देख रहे हैं x जो आपके पास डाटा है बच्चों, साथ में आप लोग माध्य विचलन निकाल रहे हैं, माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग x देखिए, x इक्वल टू क्या आपके पास 1 2 3, आपके पास ये क्या है माध्य विचलन निकला हुआ है आपके पास। साथ में आप लोग देख रहे हैं माध्य विचलन के बाद हम लोग किस पे आते हैं बच्चों, इसे हम लोग समेशन एक्स करते हैं, समेशन एक्स इसे हम लोग करेंगे, समेशन एक्स एक्स करेंगे, समेशन एक्स मतलब आपके पास इसे हम लोग 8 कर दीजिए, 3 + 2 2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, समेशन एक्स की जरूरत पड़ने वाली है हमें। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं, समेशन एक्स इजिकल टू 6, इसके बाद हम लोग किस पे आएंगे बच्चों, आपके पास एन है, एन मतलब आप लोग काउंट कर लीजिए, एन मतलब होता है काउंट करना है 1 2 3, कितने नंबर आपके पास हुए,
आपके पास 3 नंबर्स हुए बच्चों, कितने नंबर्स हुए, 3 नंबर्स हुए। तो आप लोग इसमें समांतर माध्य का फार्मूला लगाइए, समांतर माध्य इज इक्वल टू योग, योग मतलब आपके पास समेशन एक्स अपॉन कितना एन होगा, क्या होगा बच्चों, समेशन एक्स अपॉन एन होता है, आपके पास एक समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। समांतर माध्य का क्या फार्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन होता है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 अपॉन कितना करेंगे, 3 करेंगे, तो कितना निकल जाएगा आपके पास, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 हो जाएगा बच्चों। एक्स बार की वैल्यूज कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई, कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। साथ में इस क्वेश्चन में कहा गया हमें माध्य विचलन निकालना है, माध्य विचलन मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकालेंगे, माध्य विचलन इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कितना होगा बच्चों, एन होगा, एन से डिवाइड करेंगे। अब आप लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कैसे करना है, एक्स में से एक्स बार को माइनस करना है, एक्स में से एक्स बार को माइनस करना है। एक्स बार आपके पास 2 निकला हुआ है, ये 2 निकला हुआ है आपके पास दिख रहा है स्क्रीन पे, और ये एक्स की वैल्यूज आपके पास दिख रही है 1 2 3, 1 2 3 है, 1 2 3 माइनस करिए, 1 में पहले 1 से माइनस करेंगे हम लोग, 1 से 2 माइनस किया, 1 से 2 माइनस करेंगे कितना होगा बच्चों, माइनस 1 होगा, और माइनस 1 मतलब माइनस 1 का जब मॉड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। कैसे हुआ बच्चों प्लस 1, फिर से मैं बता दूं एक बार फिर से कि हमें x में से x बार को माइनस करना है, x आपके पास दिया हुआ है, x पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है, 1 लेते हैं हम लोग, 1 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, ये 2 को माइनस करेंगे कितना होगा, माइनस 1 होगा, माइनस 1 का यदि मोड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, समेशन का मतलब दिया हुआ है, समेशन मतलब हमें प्लस करते हुए चलना है आगे, प्लस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं किससे माइनस करना है, हमें 2 से माइनस करना है, इस 2 से हम लोग इस 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा, प्लस प्लस होगा आपके पास, ये आपके पास 3 है, 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3 में से हम लोग ये 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा बच्चों आपके पास, 3 में से 2 गया कितना होगा आपके पास, 1 आएगा, और साथ में कितने से डिवाइड करेंगे हम लोग इसे, 3 से डिवाइड करेंगे, एन की वैल्यूज आपके पास 3 दी हुई है बच्चों, एन की वैल्यूज 3 से डिवाइड करना है इस क्वेश्चन को, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया, कितना आ गया आपके पास, 2 अपॉन 3 आ गया, कितना हो गया बच्चों, 2 अपॉन 3 आ गया, इस 3 से डिवाइड करिए, 0 आ गया, 3 6 जा कितना हो गया, 18 हो गया, फिर 2 बच गया, 3 6 जा 18 हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 0.66 माध्य विचलन कितना निकल गया आपके पास, मीन डेविएशन कितना आ गया, 0.66, ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन है 0.66, बिल्कुल इज द करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। साथ में आप लोगों का एक माध्य विचलन निकल के आ गया आपके पास, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने माध्य विचलन को निकालना सीखा। माध्य विचलन के इसके सेकंड क्वेश्चंस पे आते बच्चों, हमारे पास इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं। माध्य विचलन क्या होगा, माध्य विचलन निकालना है हमें किसका, 299 3 6 9 4, इस 9 4 का हमें माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसे एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चों, हम लोगों ने एक्स शो करेंगे, हम लोग इस वैल्यूज को, इस आंकड़े को हम लोग एक्स शो कर दिए। एक्स शो करने के बाद सबसे पहले पूरे आंकड़े को, सभी आंकड़े को हम लोग एक्स शो करेंगे। एक्स शो करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक्स बार निकालेंगे, एक्स बार मतलब होता है समेशन एक्स अपॉन एन होता है, तो समेशन एक्स मतलब सभी को प्लस कर लेंगे आप लोग, इस आंकड़े को प्लस कर लीजिए, 2 प्लस 9 कितना हो गया, 11, 11 और 9 कितना हो गया, 20, 23, 29, 29 और कितना हो गया, 38, 38 और कितना हो गया, 4 कितना हो गया, 42, कितना हो गया बच्चों आपके पास, 42 हो गया। आप लोग फिर से काउंट कर लीजिए, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 और 9 कितना हो गया आपके पास, 22 और 9 कितना हो गया, 31, 31 और 9, 31 और 9 40, 40 और 2 कितना हो गया आपके पास, 42 हो गया। फिर काउंट कर लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से काउंट किया आप लोगों ने, 7 1 जा 7 और 7 6 जा कितना हो गया, 42 हो गया आपके पास। तो एक्स बार कितना निकल गया आपके पास, 6 निकल गया बच्चों, एक्स बार कितना निकल गया आपके पास, 6 निकल गया, एक्स बार की वैल्यू 6 हो गई। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं इसमें, इसके बाद मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन, माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन कैसे निकालते हैं हम लोग, समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, एन हो जाएगा। एक्स में से एक्स बार की वैल्यूज को माइनस कर दीजिए, एक्स कितना आपके पास, 2 है, इस 2 में से मैंने 6 को माइनस किया कितना होगा आपके पास, माइनस 4 होगा बच्चों।
आप लोग फिर से बता दूं, मैं इस टू में से मैं सिक्स को माइनस करूं तो कितना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, टू में से मैं सिक्स को माइनस करूं कितना होगा, माइनस फोर होगा, और माइनस फोर का मॉड करेंगे तो कितना होगा आपके पास, प्लस फोर हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है मॉड की मीनिंग क्या होती है यहाँ पे, कि जो भी ऋणात्मक नंबर्स होते हैं या नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसे हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, मॉड का मीनिंग होता है। साथ में हम लोग नाइन पे आते हैं, नाइन में से सिक्स को माइनस करेंगे, इस नाइन में से सिक्स को माइनस करते थ्री होगा, प्लस थ्री होगा आपके पास। साथ में हम लोग नाइन से फिर माइनस करेंगे, नाइन में से सिक्स का कितना आएगा आपके पास, थ्री होगा, थ्री होगा। फिर थ्री में से सिक्स को माइनस करेंगे, माइनस थ्री होगा। बच्चों फिर से बता दूं मैं, इसमें निगेटिव वैल्यूज आ रही है, थ्री में से मैंने सिक्स को माइनस किया तो कितना आया, माइनस थ्री आया, माइनस थ्री का मैंने प्लस करूंगा तो कितना होगा मुझे, प्लस थ्री होगा। साथ में फिर किस पे आ रहे हैं, सिक्स पे आ रहे हैं हम लोग, इस सिक्स में से सिक्स को माइनस करेंगे कितना होगा आपके पास, प्लस जीरो होगा। बाद में हम लोग किस पे आते हैं, नाइन्स पे आते हैं, नाइन में से सिक्स को माइनस करेंगे कितना होगा आपके पास, थ्री होगा। थ्री के बाद हम लोग फोर करते हैं, फोर में से सिक्स का कितना होगा आपके पास, फिर से आप लोग देख रहे हैं नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, फोर में से सिक्स का कितना है आपके पास, माइनस टू, और माइनस टू का नेगेटिव वैल्यूज क्या होता है यहाँ पे, माइनस टू कितना किस में कन्वर्ट होगा, प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस टू हो जाएगा आपके पास। अपॉन में एन है, क्या बच्चों आपके पास एन है, एन काउंट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन हो गया आपके पास। आप लोग देख रहे हैं इसे प्लस करेंगे, प्लस कर लीजिए आप लोग, चार और तीन सात, सात और तीन दस, दस और तीन तेरह, तेरह और तीन सोलह, सोलह और दो कितना होगा आपके पास, अठारह हो गया। अठारह अपॉन कितना हो गया बच्चों, अठारह अपॉन कितना होगा, सेवन होगा। तो अठारह को मैं यदि सेवन से डिवाइड करूं कैसे होगा, डिवाइड करने पर सात दूनी कितना होगा, चौदह, चार बज गया आपके पास, कितना हो गया आपके पास, चालीस हो गया, चालीस मतलब सात पाँच कितना हो गया आपके पास, पैंतीस, टू पॉइंट फाइव कितना होगा बच्चों आपके पास, टू पॉइंट फाइव होगा। तो आप लोग देख रहे हैं इसकी, आप लोगों ने एक माध्य, आप लोगों ने मीन डेविएशन निकाला, माध्य विचलन निकाला, माध्य विचलन निकालने पे आप लोग देख रहे हैं इसकी, इसका जो नंबर्स आ रहा है कितना आ रहा है, टू पॉइंट फाइव, कितना आया बच्चों, टू पॉइंट फाइव आया। तो ये आप लोगों ने माध्य विचलन को निकालना सीखा, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है कि माध्य से हम लोग माध्य विचलन कैसे निकालते हैं या माध्यिका से माध्य विचलन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग माध्य से माध्यिका, माध्य से या हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करने के बाद हम लोग माध्य से माध्य विचलन निकालेंगे और साथ में हम लोग माध्यिका से माध्य विचलन निकालेंगे। तो माध्य से सबसे पहले आपके पास एक्स का आंकड़ा दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू फोर नाइन सेवन टेन फाइव फोर नाइन एट, ये आपके पास आंकड़ा दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज दी हुई है आपके पास। इस एक्स की वैल्यूज में आप लोग क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले एक समेशन एक्स निकाल लीजिए या समेशन एक्स की वैल्यूज निकाल लीजिए, सभी को प्लस कर लीजिए, समेशन एक्स, चार और नौ कितना हो गया, तेरह, तेरह और सात बीस, तीस, पैंतीस, पैंतीस और चार कितना हो गया, उनचालीस, उनचालीस और नौ कितना हो गया आपके पास, नौ नौ अठारह, 48, 48 में 8 प्लस किया कितना हो गया बच्चों, 48, 48 में 8 कितना हो गया आपके पास, प्लस किया आप लोगों ने तो कितना हो गया आपके पास, 56, कितना हो गया आपके पास, 56 हो गया। एक बार फिर से काउंट कर सकते हैं आप लोग, 8 और 9 17 और 4 21 और 5 26 36, 36 और 7 कितना हो गया बच्चों आपके पास, 43, 43 और 9 कितना हो गया आपके पास, 42, 42 52, 52 और 4 कितना हो गया आपके पास, 56, 4 9 13 7 20 30 35 39, 39 9 उनचालीस और नौ को प्लस कर लीजिए आप लोग, नौ नौ कितना हो गया 18, 48 और 8 और 16 कितना हो गया 56, 1 2 3 4 5 6 7 8 आप लोग 8 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा आपके पास, समेशन एक्स इज इक्वल टू 8 8 8 7 ही 56, 7 हो गया आपके पास 7। तो आप लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पे समेशन एक्स आप लोगों ने फाइंड आउट किया बच्चों, समेशन एक्स मतलब आप लोगों ने एक्स की वैल्यूज जो आंकड़ा दिया हुआ था उसे आप लोगों ने प्लस किया, प्लस करने के बाद समेशन एक्स निकाला, एक्स बार निकाल लीजिए इसमें आप लोग, समेशन एक्स अपॉन कितना एन, मतलब आपके पास एक माध्य निकालते हैं, माध्य मतलब आपके पास योग, योग कितना हुआ आया हुआ है आपके पास, आप लोगों ने योग काउंट किया था आप लोगों ने, यहाँ डिवाइड मत करिए अभी डायरेक्ट, आप लोग योग आपके पास दिया हुआ है, समेशन एक्स मतलब आपके पास 56 आया हुआ है और एन की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 8 आई हुई है। तो 56 यहाँ रख दीजिए आप लोग, 56 अपॉन 7 सॉरी 8 रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रख दीजिए आप लोग, यहाँ पे 8 रख दिया आप लोगों ने, इस 8 की वैल्यूज को आप लोगों ने रख दिया, 56 56 अपॉन कितना होगा 8 होगा, 8 के साथ ही कितना होगा बच्चों 56 होगा, 8 के साथ ही कितना होगा आपके पास 56 होगा।
तो 8 1 8 और 8 ही 7 56, 7 आया हुआ आपके पास, 7 वैल्यूस आई हुई है। और 7 के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, आप लोगों ने एक इसमें समांतर माध्य निकाल लिया, समांतर माध्य कितना आया हुआ आपके पास, 7 आया हुआ है। इसके बाद हमें माध्य विचलन निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन निकाल लिया आप लोग, माध्य विचलन निकालेंगे, माध्य विचलन मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, माध्य विचलन इक्वल टू एक्स माइनस समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन होता है। चलो आइए देखते हैं इसमें, सबसे पहले एक्स की वैल्यू उसके आपके पास 4 है, 4 में से 7 को माइनस करेंगे तो -3 होगा, और -3 मोड में जाएगी तो क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। -3 किस में कन्वर्ट होगा, +3 में कन्वर्ट होगा। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 9, 9 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे बच्चों, 7 माइनस करेंगे, 9 में 7 का कितना होगा आपके पास, 2 होगा। ऐसे माइनस करते चलिए, योग करना है हमें, समेशन लगा हुआ है इसलिए प्लस लगाना पड़ेगा हमें। साथ में आप लोग 7 है, 7 के बाद आप लोग देख रहे हैं 7 में से 7 गया 0 आएगा, 7 में 7 कितना आएगा 0 आएगा, प्लस प्लस 10, 10 में से आप लोग क्या माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, 10 में 7 गया 3 होगा आपके पास, 10 में से 7 गया 3 होगा, 10 में से 7 गया 3 होगा। 5 में 7 गया, 5 में से 7 करेंगे तो कितना होगा आपके पास, 2 होगा, 5 में से 7 गया 2 होगा। उसके बाद 4, 4 में से 7 गया कितना होगा बच्चों आपके पास, 4 में 7 गया कितना होगा, 3 होगा। इस 4 में से 7 को माइनस करेंगे 3 होगा, 3 के बाद 9, आप पे 9 पे आते हैं, 9 में से 7 गया, 9 में 7 गया कितना होगा बच्चों, 2 होगा। 2 के बाद हम लोग आते हैं, 2 के बाद हम लोग आते हैं, 9 में 7 गया 2 होगा, 8 में 7 गया 1 होगा, 8 में 7 गया कितना होगा बच्चों, 1 होगा। सभी को आप लोग एन से डिवाइड कर दीजिए, एन कितना आपके पास दिया हुआ है काउंट करिए कि एन की वैल्यूज कितनी है आपके पास, 8 है आपके पास, 8 दिया हुआ है तो आप लोग इसे 8 से डिवाइड करेंगे, प्लस कर लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 को मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 8 से, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, और 8 टू जा कितना हो जाएगा आपके पास, 16 हो जाएगा। तो इसका जो आप लोग देख रहे हैं इसका माध्य विचलन कितना आया हुआ है बच्चों आपके पास, 2 आया हुआ है। एमडी कितना आया हुआ है आपके पास, 2 आया हुआ है, जो कि एक करेक्ट आंसर है, इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन देख रहे हैं आप, ए ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करिएगा, ए ऑप्शन है आपके पास, इज द करेक्ट आंसर, 2 पे क्लिक करिएगा, 2 पे क्लिक करिएगा, इज द करेक्ट आंसर। आप आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि हमें माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है, माध्य से माध्य विचलन भी ज्ञात करना है और माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। आपके पास दिया हुआ है एक्स, दिया हुआ है कॉलम बना लीजिए आप लोग, एक कॉलम बना लिया आप लोगों ने, एक्स साइड में एक्स लिख दिया, एक्स साइड में एफ लिख दिया आप लोगों ने। चलो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 4 6 10 17, 2 4 6 10 17, ये आपके पास दिया हुआ है, 2 4 6, 2 4 6 10 17, 10 17 दिया हुआ है आपके पास। साथ में आप लोगों के पास दिया हुआ है 3 5 4, 3 5 4, 3 5 4 2 6, ये 2 6 आपके पास दिया हुआ है, 2 6, ये आपके पास एक निकला हुआ है एक। आप सबसे पहले एक कॉलम बना लीजिए, एक्स और एफ निकाल लिया आप लोगों ने, एक्स और एफ निकालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, समेशन एफ कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे एक समेशन एफ भी निकाल सकते हैं आप लोग। 6 बार 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 कितना होगा आपके पास, 20 हो गया, कितना हो गया आपके पास, 20 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों आप लोग, मैंने आपको बताया हुआ है एक 1 बाई 1 इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने, आप लोग एक 1 बाई 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार फिर से देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स निकाल लिया आप लोगों ने, एफ निकाल लिया बच्चों, एफ निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स निकाल लिया, एफ एक्स मतलब आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6, 4 5 20, 6 4 24, 10 2 20, और 7 में 17 कितना होगा, 6 7 42, 6 का 6, 6 और 4 कितना हो गया बच्चों आपके पास, 10 हो जाएगा, 6 7 42, 6 का 6 और 4 10, 102 हो गया आपके पास। आपको ये एफ एक्स निकाल लीजिए आप लोग, इस एफ एक्स निकालने के बाद मैंने आपको बताया हुआ है इसे आप लोग प्लस कर लीजिए, प्लस कर सकते हैं आप लोग, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 2 और 2 4 6, 6 और कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया आपके पास, 172।
समेशन एफ एक्स आप लोगों ने निकाल लिया। ये सब हम लोग क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, माध्य विचलन का आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया हुआ है, एक बार साइड में देख लीजिए आप लोग। माध्य विचलन के लिए हमें यहाँ आपके पास इसे माध्य से माध्य विचलन जब निकालना होता है तो एम डी का फार्मूला क्या होता है, एम डी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कितना होता है, एन होता है, एन या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समेसन एफ बोलते। ये फार्मूला का यूज करके हम लोग माध्य से माध्य विचलन निकालना सीख रहे हैं और बनाते हैं हम लोग। तो हमें किसकी जरूरत है बच्चों, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार की जरूरत है। एक्स बार आपको आपके पास निकाला हुआ है, सबसे पहले हम लोग इसके एक्स बार निकाल लेते हैं हम लोग। एक्स बार मतलब होता है आपके पास माध्य होता है, तो एक्स बार कैसे निकालेंगे, सम्मेशन एफ एक्स। एक्स बार क्या होता है आपके पास, सम्मेशन एफ एक्स। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके पास, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में माध्य विचलन का फार्मूला और माध्य का फार्मूला जो आपके पास लिखा हुआ है, सम्मेशन एफ एक्स अपॉन सम्मेशन क्या होगा बच्चों, सम्मेशन एफ एक्स अपॉन सम्मेशन एक्स होगा। सम्मेशन एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, सम्मेशन एफ हो जाएगा, इसे सम्मेशन एफ लिख लीजिए। तो सम्मेशन एफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, आप लोगों ने सम्मेशन एफ एक्स निकाल लिया है, यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज निकाला है बच्चों सम्मेशन एफ एक्स की 172। एक बार फिर से देखिए 172 आप लोगों ने इस वैल्यूज को निकाल लिया। 172 को आप लोग कितने से डिवाइड करेंगे, आप लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ से 20 से डिवाइड करिए, 20 से डिवाइड करेंगे आप लोग। तो 20 से डिवाइड करने पर आप लोग देख रहे हैं दो कितना होगा, आप लोग डिवाइड कर लीजिए, 210 20, 2 8 16, 2 6 12, ये होगा आपके पास 8.6 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों आपके पास, समांतर माध्य कितना आ गया आपके पास, 8.6 आ गया। 8.6 के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार निकाल लीजिए आप लोग। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपके पास एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा हमें, एक्स माइनस एक्स बार निकाल लीजिए। तो एक्स कितना दिया बच्चों आपके पास, ये आपके पास एक्स है, एक्स दिया हुआ है 2, आपके पास 2 दिया हुआ है, 2 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 8.6 माइनस करेंगे, 8.x बार की वैल्यूज कितनी है आपके पास, 8.6 है। तो माइनस करने में कितना आ रहा है बच्चों, आपके लोग माइनस कर लीजिए, कितना होगा आपके पास 6, और 8 में से 2 का कितना होगा 4.6 हो गया आपके पास, ये 4.6 निकाल लिया आप लोगों ने। इस आप लोग देख रहे हैं माइनस करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 6 हो जाएगा, और 8 में से 2 का कितना होगा आपके पास 6 होगा। तो आप लोग इसे माइनस करते जाइए साथ में, आप लोग माइनस करते जाइए आप लोग, 2 माइनस 8.6 मतलब x माइनस एक्स बार दिया लिखा हुआ आपके पास, 2 माइनस 8.6 किया, कितना आ गया बच्चों आपके पास यहाँ पे, आप लोग फिर से देखिए, इसे आप लोग मिटा दीजिए, x माइनस एक्स बार होगा आपके पास 2 माइनस 8.6 इजिकल टू कितना होगा आपके पास, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, 2 माइनस 8.6 से जो माइनस किया आप लोगों ने, कितना आ रहा है आपके पास 6.4 आएगा, कितना आएगा बच्चों 6.4 आएगा। उसके बाद आप लोग क्या करिए, x में x की वैल्यूज देखिए, x की वैल्यूज कितनी है आपके पास 4 है, 4 माइनस कितना होगा आपके पास 20 होगा, 4 माइनस आप लोग x बार देखिए, x बार की वैल्यूज आपके पास फिक्स है पहले से, 8.6 है आपके पास, 8.6 लिखा हुआ है, माइनस करिए आप लोग, कितना होगा 6, और 8 में से आ गया कितना होगा 4.6 आ गया, कितना आ गया बच्चों आपके पास 4.6 आ गया। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए 6, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे x, x की वैल्यूज कितनी आपके पास, नेक्स्ट वैल्यूज है 6, तो 6 रख दी आप लोगों ने, माइनस x बार कितना आपके पास, x बार रखिए आप लोग 8.6, इस 8.6 को माइनस किया आप लोगों ने, तो क्या आ गया आपके पास 6 में से 6 गया कितना आएगा 6 बच गया, और 8 में से 6 गया कितना आपके पास 2.6, कितना हो गया बच्चों आपके पास 2.6 हो गया। देन उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने फिर निकाला अगेन 10 में से 8.6 को माइनस करिए कितना आएगा बच्चों, इसमें माइनस करने पे आप लोग देख रहे कितना आएगा 1.4 आएगा, माइनस करिए, फिर 17 आ गया आपके पास, 17 माइनस क्या माइनस करेंगे आप लोग 8.6 को माइनस किया आप लोगों ने, इस माइनस करने के बाद कितना आ रहा है आपके पास 8.4, कितना आ रहा है बच्चों आपके पास 8.4 आ रहा है, कितना आ रहा है आपके पास 8.4 आया। देन आप लोगों को मैंने बताया हुआ है यहाँ से समेशन आप लोगों ने इसमें या निकालने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इस समेशन एफ का मल्टीप्लाई आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई इस समेशन एफ या एफ का मल्टीप्लाई करिए आप लोग। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एफ का मल्टीप्लाई किससे बच्चों, आप लोग देखिए माध्य विचलन में एफ का मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार से, तो आप लोग ये निकाल लीजिए, यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए आप लोग, तो समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार निकाल लीजिए आप लोग, एक्स माइनस एक्स बार निकाल लिया आप लोगों ने। इसका मतलब ये आपके पास एक फार्मूला में लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है
किस एफ का मल्टीप्लाई किससे, एक्स माइनस एक्स बार से। तो इस एफ का मल्टीप्लाई, इस एफ का मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार से करिए। तो थ्री का मल्टीप्लाई 6.4 से किया मैंने, इस थ्री का मल्टीप्लाई, इस थ्री का मल्टीप्लाई 6.4 से करने पर कितना आ रहा है बच्चों आपके पास, आप लोग देखिए वैल्यूज कितना आएगी आपके पास, 19.8 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग साइड में। इस टू का मल्टीप्लाई 6.4 से किया मैंने तो कितना आ गया, 19.8 आया। फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई इस 4.6 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों आपके पास, 23 आएगा। देन उसके बाद इस 4 का मल्टीप्लाई आप 2.6 से करिए तो कितना होगा बच्चों आपके पास, 10.4 आएगा आपके पास, ये 10.4 आ गया। देन आपके पास ये 2 है आपके पास, इस 2 का आपके पास सॉरी आपके पास कौन सी वैल्यूज है आपके पास, 2 है। इस 2 की 2 का मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 1.4 से किया। 1.4 से करने के बाद किसका आंसर कितना आ रहा है, 2.8 आ रहा है। देन उसके बाद मैंने 6 का मल्टीप्लाई, इस 6 का मल्टीप्लाई 8.4 से किया तो 8.4 से करने के बाद कितना आ रहा है बच्चों, 50. कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे समेशन लगा हुआ है बच्चों, समेशन लगा हुआ है, समेशन लगा हुआ है आपके पास, सबको प्लस कर लीजिए आप लोग, सबको प्लस किया आप लोगों ने। प्लस करने पर आपके पास वैल्यूज फाइंड आउट करके देख रहे हैं आप लोग, एक वैल्यूज आएगी 106.4। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्लस करना है 19.8, 23, 10.4, 2.8 और 50.4 को आप लोग प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चों, 106.4 आपके पास वैल्यूज निकल के आएगी, ये वैल्यूज निकल के आ गई। अब आपके पास हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेन हमारा जो पर्पस है इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है हमें, मीन डेविएशन। क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन करना है, फाइंड आउट करना है। चलो मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। एमडी आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, एमडी इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू समेशन एफ हो जाएगा आपके पास। तो समेशन एफ आपके पास आप लोगों ने देखा, एक प्लस करने के बाद आपके पास वैल्यूज आई आपके पास 106.4, और साथ में आप लोगों के पास एक समेशन एफ की वैल्यू से डिवाइड करेंगे आप लोग, समेशन एफ दिया हुआ है, समेशन एफ आपके पास बच्चों कितना आया हुआ है, 20 आया हुआ है। इस 20 से हम लोग इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, तो 20 से क्वेश्चन को डिवाइड करने पर आप लोग 20 से डिवाइड करते हैं आप लोग, 20 से डिवाइड करना है हमें, 20 से डिवाइड करने के बाद आप लोग देख रहे हैं 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, और कितना हो गया, आप लोग डेसिमल को हटा सकते हैं, डिवाइड करिए 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 और कितना हो गया, 2 × 2 = 4। साथ में आप लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ डेसिमल आप लोगों ने इसे डिवाइड करने पे कितना आएगा, 10 आएगा, 2 × 10 = कितना हो गया, 20 हो गया। तो आपके पास 532 532 को मैं यदि 10 से डिवाइड करूँ, आपके पास डेसिमल पहले से लगा हुआ है, डेसिमल मुझे एक नंबर शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना आएगा आपके पास, 0 है आपके पास यहाँ, तो एक नंबर शिफ्ट कर दीजिए आप लोग, कितना होगा आपके पास 53, या कितना होगा बच्चों आपके पास 5.32, कितना होगा आपके पास 5.32 आपके पास वैल्यूज आएगी। इज द करेक्ट वैल्यूज है आपके पास, इज द करेक्ट वैल्यूज है आपके पास 5.32 है। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ऑप्शन आपके पास है 5.32 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बच्चों, इसका जो मीन डेविएशन आएगा कितना आ रहा है बच्चों आपके पास, माध्य विचलन निकालना था हमें, माध्य विचलन कितना आ रहा है आपके पास 5.32। इस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, इज द करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, माध्य विचलन जो कि आप लोगों ने माध्य से निकाला। इसके बाद हम लोग इसे माध्यिका से समझते हैं, किससे समझते हैं बच्चों, माध्यिका से समझते हैं। माध्यिका से भी हम लोग को माध्य विचलन फाइंड आउट करना है, जो कि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न श्रेणी का माध्यिका से, माध्यिका से माध्य विचलन निकालो, माध्य विचलन फाइंड आउट करना है। तो माध्यिका से सबसे पहले जब भी हम लोग माध्यिका दिया होता है, आपके पास एक मीडियन दिया हुआ हो, तो अब हमें सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो आप लोग माध्यिका को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया आप लोगों ने। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले 12 होगा आपके पास, फिर आप लोग कितना होगा आपके पास 14 होगा, 12 के बाद कितना होगा आपके पास 14 के बाद कितना होगा बच्चों आपके पास 15 के बाद कितना होगा आपके पास 16 होगा, 16 के बाद कितना होगा बच्चों आपके पास 25 कितना होगा आपके पास 35 और 35 के बाद कितना होगा बच्चों आपके पास 30 के बाद कितना होगा 30 होगा आपके पास 30 होगा आपके पास 30 के बाद कितना होगा आपके पास 35 होगा
क्या होगा बच्चों, आपके पास 35 होगा, तो 12, 12 के बाद हम लोगों ने देखा 15, सॉरी 14, 14 के बाद 15 हो गया आपके पास, 15 के बाद कितना होगा बच्चों, 16 होगा, 16 भी हो गया, 16 के बाद आप लोग क्या करेंगे, 30 निकालेंगे, 30 सॉरी 25, 25 के बाद 30, 25, 30 और 35। आप लोगों ने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। किस ऑर्डर में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग देख रहे हैं, जब भी मीडियन आप लोग फाइंड आउट करेंगे, मीडियन आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकालेंगे आप लोग, ये तीन नंबर बाहर होंगे आपके, ये तीन नंबर बाहर होंगे और ये तीन नंबर क्या होंगे, एक अंदर होंगे, इनके बीच में आप लोग देख रहे हैं ये तीन नंबर, इसमें भी तीन नंबर बाहर है, इसमें भी तीन नंबर बाहर है, बीच का जो नंबर होगा आपका ये क्या होगा बच्चों, आपका मीडियन होगा, माध्यिका होगी। तो इसकी माध्यिका कितनी आएगी आपके पास, माध्यिका कितनी होगी आपके पास, इसकी 16 होगी, 16 आप लोगों ने इसे माध्यिका निकाल लिया, तो माध्यिका आप लोगों ने काउंट कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, इसमें बताएंगे आप लोग, माध्यिका निकालने के बाद हमें माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमडी निकालेंगे, एमडी निकाल लिया हम लोगों ने, समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कितना होगा बच्चों, एन होगा, एन हमें फाइंड आउट करना है। आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग के पास माध्यिका है, इस माध्यिका मतलब आपके पास क्या है, आपके पास है एक एक्स बार के एक माध्यिका आपके पास, इस माध्यिका में हम लोग क्या करेंगे, इस 12 है, 12 से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 16 को माइनस करेंगे, कितना होगा आपके पास, चलो 1/1 माइनस करिए आप लोग, यहाँ पे एक्स बार मतलब आपके पास यहाँ पे एक्स बार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माध्यिका होगी। फार्मूले में क्या चेंज करेंगे आपको मैंने बताया हुआ है, एक्स माइनस क्या होगा आपके पास, ये माध्यिका हो जाएगी। तो इस माध्यिका से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स बार के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, माध्यिका लिखेंगे, एम ई लिखेंगे, या आप लोग इसे फार्मूले को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन, और जहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिए वेयर एक्स बार इजिकल टू क्या होगा, माध्यिका होगा, मीडियन होगा। यहाँ पे आप लोग इसे हम लोग इस फार्मूले में लिख सकते हैं, ऐसा इसका मतलब ये है कि हम लोग माध्य के प्लेस पे हम लोग माध्यिका यूज़ कर रहे हैं, माध्य के प्लेस पे हम लोग माध्यिका यूज कर रहे हैं। तो एक्स आपके पास दिया हुआ है, एक्स मतलब 12 है, 12 के में से हम लोग 16 को माइनस करेंगे, कितना होगा आपके पास, -4 होगा, और -4 को हम लोग +4 लिखेंगे, +4 लिख दिया आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले बच्चों, 14, 14 में से हम लोग 16 को माइनस करेंगे, -2 होगा, इसे हम लोग +2 लिख दिया हम लोगों ने। देन उसके बाद 15 में से 16 को माइनस करेंगे हम लोग, 15 में 16 को माइनस किया, -1 होगा, तो -1 को क्या लिख दिया मैंने, +1 लिख दिया, +1 लिख दिया। +1 के बाद 16 में से 16 को माइनस किया, कितना होगा आपके पास, 0 हो गया, 0 लिख दिया मैंने। प्लस 25 में से 16 को माइनस किया, कितना होगा बच्चों, 25 में से 16 को माइनस किया, कितना होगा आपके पास, 9 होगा, 16 और 9 कितना होगा आपके पास, 25 होगा, 16 और 25 कितना होगा आपके पास, 25 में से इस 16 को माइनस किया, या आप लोग देख रहे हैं 25 में 16 को माइनस करने में कितना आ रहा है आपके पास, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। और 30 में से 16 को माइनस किया मैंने, 30 में से 16, 30 में 16 को माइनस करिए आप लोग नेक्स्ट पे, तो 10 में से गया 4, 4 होगा आपके पास, और 2 में से 1 गया आपके पास, आप लोग देख रहे हैं 30 मतलब 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने वैल्यूज निकाल लिया, आप लोगों ने 14 निकाल लिया। 14 के बाद आप लोग देख रहे हैं 35, 35 में 16 को माइनस करिए, कितना होगा आपके पास, 15 में से 6 गया 9 निकाला आप लोगों ने, आप लोगों ने कितना निकाला बच्चों, 9 निकाला यहाँ पे। और नेक्स्ट में आप लोग देख रहे हैं 15 में से 6 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, आप लोगों ने यहाँ पे निकाल माइनस कर दिया वैल्यू उसको, 19 आ गया आपके पास, कितने आ गए बच्चों आपके पास, 19 आ गई। 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9 और साथ में कितना है आपके पास, 2, 2 में से 1 गया 1 निकाला आपने, 19 हो गया, 19 हो गया। साथ में आप लोग देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से आप लोग डिवाइड करेंगे, आप लोग कितने से डिवाइड करेंगे आप लोग बच्चों, 7 से डिवाइड करेंगे आप लोग, तो इसे 7 से डिवाइड करने के बाद आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले इसे प्लस कर लीजिए आप लोग, प्लस किया आप लोगों ने, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 प्लस 4 और 2 6 और 1 7, 7 और आप लोग प्लस करिए पूरे नंबर्स को, 7 और 9 16, 16 और 14 कर दिए आप लोग, 16 14 और 19 को पहले प्लस कर लीजिए आप लोग, इसे प्लस कर लेंगे हम लोग, 9 और 4 13, 13 और 6 कितना हो गया 19 हो गया, 1, 2, 3, 3 और कितना हो गया 4, तो 49 हो गया। आप लोगों ने देखा बच्चों 49 को मैं कितने से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे हम लोग, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 वन जा 7 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया आपके पास। ये आप लोगों ने देखा
मीन डेविएशन आप लोगों ने कितना निकाला है बच्चों, 7 निकाला है। कितना निकाला आप लोगों ने, 7 निकाला मीन डेविएशन आप लोगों ने 7 निकाला है। तो आप लोग ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माध्यिका से निकालने का तरीका क्या होता है कि हम लोग इसमें सबसे पहले मीडियन देखते हैं, मिड पॉइंट देखते हैं, मिड नंबर कौन सा आपके पास 16 आया हुआ है, माध्यिका है 16 है, और 16 किसके प्लेस पर रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे, एक्स बार के प्लेस पर हम लोग माध्यिका रखेंगे। सेम जैसे हम लोगों ने प्रोसेस किया हुआ है माध्य से निकालना माध्य विचलन, वैसे हम लोग माध्यिका से माध्य विचलन निकालेंगे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है प्रसरण। प्रसरण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएंस बोलते हैं। और वेरिएंस के क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके पास वेरिएंस को किससे शो करना है, हमें सिग्मा स्क्वायर से शो करना है, सिग्मा स्क्वायर से शो करना है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, फार्मूले में स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर करना पड़ेगा। चलाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाई वन। आपके पास डाटा दिया हुआ है बच्चों, इस डाटा को पहले लिख लीजिए आप लोग, 10 10 9 10 10 10 9, 10 10 11 10 10 11 10 11 9 10 11 9, ये आपके पास डाटा दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को प्रसरण निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फार्मूला आपके पास दिखा हुआ है, वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से शो करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर में आप लोग के पास डाटा दिया हुआ है, इसमें आप लोग जो डाटा दिया आपके पास किसकी वैल्यूज है बच्चों, एक्स की वैल्यूज है। इसमें आप लोग को मैंने बताया हुआ है एक्स बार कैसे निकालेंगे, हम लोग एक्स बार कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन निकालते हैं। इसे आप लोग प्लस कर लीजिए, 10 और 10 कितना हो गया 20, 20 और 9 के 20 और 9 29, 29 10 10 20 और 9 29, 29 और 10 39, 39 और 10 49, 49 और 10 कितना हो गया बच्चों, 49 और 10 59, 59 के बाद 11 11 22, 22 और 9 कितना हो गया 31, प्लस कर लीजिए आप लोग 9 और 1 10 कितना हो गया आपके पास 90 हो गया। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे क्वेश्चन में कि आप लोग योग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। और 90 में हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे 9 से डिवाइड किया मैंने। कितने से डिवाइड किया बच्चों, 9 से डिवाइड किया, तो 9 वन जगह कितना हो जाएगा 9, और 9 10 जगह कितना हो जाएगा आपके पास 90। तो एक्स बार कितना हो गया आपके पास 10 हो गया। कितना हो गया बच्चों, एक्स बार की वैल्यूज कितनी हो गई आपके पास 10 हो गई। एक्स बार की वैल्यूज कितनी है आपके पास 10 हो गया, जो कि आपको मैंने बताया हुआ है इसमें क्वेश्चन में। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स बार आपके पास दिया हुआ है, एक्स बार आपके पास 10 आया हुआ है, और यहाँ एक्स आपके पास आ गया, आपके पास एक्स की वैल्यूज आंकड़े आंकड़े से वैल्यूज आ गई आपके पास, एक्स आ गई और एक्स बार आ गई आपके पास। आप लोग क्या निकालेंगे बच्चों, साथ में आप लोग इसे निकाल लीजिए, मीन डेविएशन निकालना है आपको। क्या निकालना है बच्चों आपको पास, मीन डेविएशन निकालना है। तो एम डी निकाल लिया आप लोगों ने, समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, एन हो जाएगा। समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, एक्स आपके पास दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज दी हुई है 10, 10 में से मैं 10 को माइनस करूंगा कितना आएगा बच्चों आपके पास 0 आएगा, प्लस इस 10 में से 10 को माइनस करेंगे फिर 0 आ गया आपके पास, प्लस 9 में से 10 गया आपके पास कितना आएगा माइनस 1, माइनस 1 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें होगा प्लस 1 में होगा, फिर 10 आएगा आपके पास, 10 के में से 10 गया 0 हो गया, 0 हो गया आपके पास, प्लस फिर आपके पास 10 आ गया, 10 में से 10 गया कितना होगा 0 हो गया बच्चों, फिर 11 में से 10 गया कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, प्लस 10 में से फिर माइनस करेंगे हम लोग, 10 में से 10 गया 0, 11 में से 10 गया 1, 1 आएगा आपके पास, फिर आपके पास 9 में से 10 गया कितना आएगा माइनस 1, हम क्या लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे। ऐसे आप लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 आप लोगों ने निकाल लिया है, 11 में से 10 गया 1, आप लोगों ने वैल्यूज निकाला है बच्चों। एक बार फिर से देखेंगे आप लोग यहाँ पे, आप लोग फिर से देखिए यहाँ पे माइनस करते समय आप लोग देखेंगे इसमें कि माइनस करना, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे माइनस करना है आपको। इसमें आपको निकालना क्या है, आपको प्रसरण निकालना है। क्या निकालना है बच्चों आपको यहाँ पे, प्रसरण निकालना है। प्रसरण का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, प्रसरण इजिकल टू हमें यहाँ पे प्रसरण निकालना है, समेशन एक्स माइनस बार का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा बच्चों आपके पास, यहाँ पे अपॉन में कितना होगा बच्चों, यहाँ पे एन होगा। क्या होगा आपके पास, एन होगा। तो हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है हमें। क्या करना है हमें,
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब एक्स आपके पास कितना है, 10 है, 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपके पास, 0 होगा। स्क्वायर करते चलना है हमें साथ में, 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। 9 में से 10 गया माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। फिर 10 में से 10 गया 0, 0, फिर 10 में से 10 गया 0, टू टाइम्स लिख दीजिए आप लोग 0 0। फिर आप लोग 11 में से 10 गया 1, 1 का स्क्वायर किया आप लोगों ने कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। फिर आप लोगों ने 10 है, 10 का स्क्वायर, 10 में से 10 गया कितना होगा आपके पास, 0 हो गया आपके पास, 0 हो गया आपके पास। फिर 11 में से 10 गया, 11 में से 10 को माइनस करेंगे कितना होगा, 1, 1 का स्क्वायर आप लोग 1 करेंगे तो 1 होगा। 9 में से 10 गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, कितना होगा बच्चों, 1 होगा। साथ में एन से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप लोग इसे 9 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड कर दिया तो 1 2 3 4, 4 अपॉन कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया, कितना हो गया बच्चों आपके पास, 9 हो गया। तो आप लोगों ने देखा इसमें, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्या फाइंड आउट किया है, प्रसरण 4 अपॉन 9 आप लोगों ने निकाला है, सिग्मा स्क्वायर से शो करना है हमें प्रसरण। 4 अपॉन 9 क्या होगा बच्चों आपके पास, एक करेक्ट आंसर होगा, 4 अपॉन 9 करेक्ट आंसर होगा। 4 अपॉन 9 आपके पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इस पे 4 अपॉन 9 पे क्लिक करेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पे आते हैं हम लोग। ए ऑप्शन दिया आपके पास 4 अपॉन 9, इस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू आपके पास दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग क्या निकालना है, प्रसरण निकालना है। चलो आइए बच्चों इसका प्रसरण निकालते हैं हम लोग। प्रसरण का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, प्रसरण इसे हम लोग सिग्मा स्क्वायर से शो करेंगे। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन रहेगा, यही फार्मूला आपको प्रसरण में हमेशा यूज करना है फार्मूला। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स निकाल लीजिए, एक्स क्या बच्चों आपके पास 6 है, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये आपके पास x की वैल्यूज है। किसकी वैल्यूज है बच्चों, x की वैल्यूज है 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 का प्रसरण होगा, ये हमें प्रसरण फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम लोग इसमें x बार पे आते हैं, x बार निकालेंगे हम लोग। x बार कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है, समेशन x अपॉन n से डिवाइड करेंगे तो समेशन x कितना आया हुआ है, समेशन x कहाँ से निकालेंगे हम लोग, जो आपके पास जो डाटा दिया हुआ है एक्स की वैल्यूज दी हुई है इसे हम लोग पहले प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पे वैल्यूज आएगी आपके पास 6 और 8 कितना हो गया बच्चों, 14 14 10 24 हो गया। 24 को 12 से प्लस करेंगे आप लोग, प्लस कर लीजिए आप लोग, 24 से 12 प्लस करेंगे कितना होगा आपके पास, 4 और 2 6 2 और 1 कितना होगा, 36 होगा। 36 में 14 प्लस करेंगे आप लोग कितना होगा, 6 4 10 50 हो गया आपके पास। 50 में आप लोग प्लस करेंगे, प्लस कर लीजिए 16 को कितना होगा बच्चों आपके पास, 50 प्लस 16 कितना होगा आपके पास, 67 होगा। 67 में हम लोग प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, 67 में 20 प्लस किया मैंने कितना हो गया आपके पास, 86 हो गया। 86 में हम लोगों ने 18 प्लस किया कितना हो गया आपके पास, 8 और 14 14 और 8 और 1 9 और 1 10 104 हो गया बच्चों। 104 में हम लोग ये प्लस करने वाले, क्या करने वाले, 2 और 4 6 4 और 2 6 2 और 2 4, 4 और 6 10 4 और 1 5 150। आप लोग आपके पास 104 और 46 को प्लस करें, 150 आया हुआ है, कितना आया हुआ है बच्चों आपके पास, 150 आया हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत थी, सममेशन एक्स, मतलब आपके पास कितना है, 150 आया हुआ है आपके पास, ये वैल्यूज आई हुई है 150। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 150 को हम लोग एन से डिवाइड करेंगे, 150 को हम लोग एन से डिवाइड करेंगे। एन आपके पास दिया हुआ है कितना है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन की वैल्यूज कितनी बच्चों आपके पास, 10 है, 10 है आपके पास, ये 0 से 0 कट कर दिया आप लोगों ने, कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। तो एक्स बार आप लोगों ने कितना निकाल लिया, 15 निकाल लिया, एक्स बार कितना निकाल लिया आप लोगों ने, 15 15 निकाल लिया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पे हम लोग प्रसरण निकालने वाले, प्रसरण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरियंस बोलते हैं, वेरियंस। वेरियंस कैसे निकालेंगे हम लोग, चलो बताया आप लोग सबसे पहले, तो वेरियंस कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे ये वेरियंस है आपके पास, इसमें वेरियंस निकालना है। तो
एक्स में से एक्स बार को माइनस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बच्चों इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स में से एक्स बार को माइनस करेंगे, तो एक्स बार कितना आपके पास, ये वैल्यूज दी हुई है आपके पास एक्स माइनस एक्स बार कितना आपके पास 15 दिया हुआ है, तो 15 में को माइनस करेंगे तो 6, सबसे पहले 6 है, 6 को मैं आपके पास वेरियंस कितना आपके पास, या एक्स बार कितना है आपके पास, एक्स बार कितना है बच्चों आपके पास 15 दिया हुआ है, इस 15 से इस वैल्यूज को माइनस करिए, 6 में से 15 गया कितना आएगा आपके पास 15, उसमें 6 कितना आएगा बच्चों 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपके पास 81 आएगा, 81 रख दीजिए आप लोग, माइनस करते जाइए, 8 में से 15 गया कितना आएगा 7, 7 आएगा आपके पास, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपके पास 49 आएगा, 49 कर दीजिए आप लोग, प्लस 10 में से 15 को माइनस किया कितना आएगा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों 25 होगा, 25 कर दीजिए आप लोग 25, 7 में आप लोग 12, 12 में से 15 का कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 9 कर दिया आप लोगों ने, फिर उसके बाद 12 हो गया, 12 के बाद 14 पे आते, 14 में से 15 गया कितना आएगा आपके पास 1 आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद हम लोग 16 पे आते बच्चों, 16 में से 15 गया कितना आएगा आपके पास 1, फिर 1 आएगा आपके पास 1 आएगा, तो 14 में से 15 गया, फिर 16 में से 15 गया 1 हो गया आपके पास, फिर 18, 18 में से 15 गया कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास 9 आएगा, 9 आएगा आपके पास, 9 के बाद मैं आता हूँ 20 पे आता हूँ, 20 में से 15 गया कितना आएगा आपके पास 20 में से 15 को माइनस करते 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 25 होगा, 25 होगा आपके पास, 25 के बाद आपके पास 22 आएगा, इस 22 में से 15 को माइनस करते हम लोग कितना आएगा बच्चों 7 आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 49 होगा, 49 के बाद प्लस 24 आएगा आपके पास, 24 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों 9 आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, तो ये आपके पास क्या निकल गया बच्चों, इसे डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, हम लोग नंबर ऑफ आंकड़े से डिवाइड करेंगे, कितने आंकड़े आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप लोग इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस करते हैं हम लोग, चलो आगे प्लस करना हमें, प्लस करते हैं हम लोग डाटा को, आपके पास डाटा दिया हुआ है 81, 49, आप लोग प्लस करते हैं 25, 25, 9, 1, 25, 9, 1, 25, 9, 1, फिर 1, फिर 1 लिखा आप लोगों ने, फिर 9 लिखा आप लोगों ने, फिर 9 लिखा, फिर 25 लिखा आप लोगों ने, 25 फिर लिखा आप लोगों ने, फिर 49 और 81 लिखा, 49 और फिर 81 लिखा आप लोगों ने, ये आपके पास दिख रहा है, आपके पास नंबर्स दिख रहे हैं 81, 49, 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 1, 1, 9, 25, 9, 25, 49, 81, 49, 81, बच्चों इन्हें सबसे पहले प्लस करते हैं हम लोग, प्लस करना आता है हमें, 9 और 1, 10, 5, 15, 15 और कितना हो गया 9, 15, 1 और 9, 10, 10 और 5, 15, 15 में हम लोगों ने 9 प्लस किया 24 हो गया, 24, 25, 26, 26 में हम लोग कितना प्लस करेंगे 9, कितना आगे आपके पास 35 हो गया, 35 में 5 प्लस किया 40, 40 और 10 कितना हो गया आपके पास 40, 10 कितना हो गया 50, 50 मतलब कितना होगा आपके पास 0 लिख दिया आप लोगों ने 5 आ गया, 5 और 8, 13 और 4, 17 और 2, 19, 19 और 2, 21, 21 और 4, 25 और 25 और 8 कितना हो गया आपके पास 33, 330 आया हुआ है आपके पास, तो आप लोगों ने देखा बच्चों यहाँ पे वेरियंस निकाल रहे हैं हम लोग, सिग्मा स्क्वायर निकाल रहे हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन निकाला आप लोगों ने, तो इसकी वैल्यूज कितनी आई आपके पास, होल स्क्वायर करने पे कितना है आपके पास 330, 330 को मैं कितने से डिवाइड करूंगा, इसमें 10 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ आंकड़े कितने दिए हुए हमारे पास 10 दिया हुआ है, 10 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 0 से 0 कट कर दीजिए, तो आपके पास दिख रहा है इसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यूज कितनी आ रही है आपके पास 33, कितनी आई हुई है बच्चों 33 आई हुई है, आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, इसमें हम लोगों ने वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप हम लोगों ने प्रश्न निकालना सीखा, और आप लोगों ने इससे भी प्रश्न आराम से और इजीली आपसे प्रश्न बन जाएगा, इसके बाद हम लोग इसके नए टॉपिक पे आ रहे हैं, एक नया टॉपिक आपके पास दिया हुआ है मानक विचलन, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन के साथ समझाया हुआ था, मानक विचलन कैसे निकालेंगे हम लोग, कि किसी भी प्रश्न का हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या निकल जाता है बच्चों आपके पास प्रश्न निकल जाता है, तो आपके पास ये नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं 31, 32, 33, 46, 47, इसका हमें क्या निकालना है, हमें
मानक विचलन क्या होगा, क्या निकालना है बच्चों हमें से, मानक विचलन निकालना है। और मानक विचलन निकालने के लिए हमें, मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रसरण, प्रसरण कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रसरण से हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इसका प्रसरण का स्क्वायर रूट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है स्क्रीन पे, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग प्रश्न निकालते हैं, प्रश्न निकालने का एक तरीका होता है। इस क्वेश्चन को अभी आप लोग नेक्स्ट में करते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दीजिए अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप लोग पहले इस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आपका एक वर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग को मानक विचलन निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद जो भी आपके पास क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करते हैं। आपके पास दिया हुआ है एक्स, दिया हुआ है आपके पास 7, 9, 11, 13, 15 का मानक विचलन निकालना है हमें। इसे हम लोग क्या करेंगे, समेशन एक्स निकाल लीजिए, समेशन एक्स निकाले, 7 और 9 कितना हो गया, 16, 16, 9 और 7 16, 11, 13 और ये 15 निकाल लिया आप लोगों ने, 9 और 7 16, 6 और 1 7 और 3 10 और 5 15, 5 और 3 8, 9 9 और 6 15, 1 निकाल लिया, 1 2 3 4, 4 कितना हो गया, 55 हो गया। ये आप लोगों ने वैल्यूज निकाल लिए, 5 और 3 8, 8 9 9 और 6 15, 5 और 1 2 3 4, 4 के बाद 1 आपके पास 55 हो गया, कितना होगा आपके पास, 55 हो गया। ये आप लोगों ने 55 निकाल दिया है। उसके बाद आप लोग क्या निकालने वाले बच्चों, यहाँ पे मानक विचलन होगा, ये मानक विचलन निकालने वाले। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मानक विचलन के लिए हमें प्रसरण निकालना पड़ेगा। तो प्रसरण निकालने वाले हम लोग, प्रसरण के लिए मैंने आपको बताया हुआ है एक्स बार निकालते, समेशन एक्स अपॉन कितना होगा आपके पास, एन होगा। तो समेशन एक्स मतलब कितना होगा आपके पास, 55, 55 अपॉन कितना होगा, एन से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया मैंने, कितना हो गया बच्चों, 5 1 5 कितना हो गया, 11 हो गया, कितना हो गया आपके पास, 11 हो गया। एक्स बार की वैल्यूज कितनी होगी आपके पास, 11 होगी। एक्स बार की वैल्यूज कितनी होगी आपके पास, 11 होगी। 11 निकालना है हमें, एक्स बार, एक्स बार कितना निकाला आप लोगों ने, 11 निकाला, कितना निकाला आप लोगों ने, 11 निकाला, एक्स बार निकाल लिया आप लोगों ने। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले बच्चों, प्रसरण निकालने वाले, क्या निकालने वाले आप लोग, प्रसरण निकालने वाले। प्रसरण कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्रसरण निकालते हैं हम लोग, अपॉन में कितना होता है बच्चों, एन होता है। तो एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार आप लोगों निकालेंगे, एक्स की वैल्यूज कितनी आपके पास, 7 है, 7 में से आप लोग 11 को माइनस करिए, 7 में से 11 का कितना आपके पास, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों आपके पास, 16 होगा, कितना होगा आपके पास, 16 होगा, 16 होगा। उसके बाद 9 में से 11 गया, 2, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे आपके पास कितना होगा, आपके पास 4 होगा, 4 प्लस आगे क्या करेंगे, 11 में से 11 गया आपके पास 0, 0 होगा आपके पास, 0 कर देंगे आप लोग, 0 का स्क्वायर 0 होगा। साथ में आप लोग देख रहे हैं 13, 13 में से आप लोग 11 को माइनस करेंगे, 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, 4 होगा, 4 प्लस। फिर उसके बाद हम लोग 15, 15 में से 11 को माइनस करेंगे, कितना होगा बच्चों आपके पास, 11 और 4 15, 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपके पास, 16 होगा, 16 और अपॉन में कितना होगा बच्चों, एन, एन मतलब आप लोग एन से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 होगा आपके पास, 5 से डिवाइड कर दिया आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग प्लस करते हैं, 16 और 4 20, 20 में आप लोग 20 में 20 प्लस करेंगे कितना होगा आपके पास, 40 होगा, 40 को मैं यदि 5 से डिवाइड करूंगा कितना होगा, 5 1 जा 5 और कितना होगा बच्चों आपके पास, 5 8 जा कितना होगा, 40 होगा, 5 8 जा कितना होगा, 40 होगा। तो आप लोग देख रहे हैं प्रसरण आप लोगों ने निकाला है, प्रसरण कितना निकाला बच्चों आप लोगों ने, 8 निकाला, प्रसरण आपके पास दिया हुआ है, प्रसरण आप लोगों ने फाइंड आउट किया, प्रसरण कितना फाइंड आउट किया आप लोगों ने, 8 फाइंड आउट किया आप लोगों ने। अब हमें प्रसरण आप लोगों ने 8 निकाला है, 8 के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें निकालना है क्या, मानक विचलन। मानक विचलन कैसे निकालते हैं, मानक विचलन कैसे निकालेंगे हम लोग, एक अंडर रूट 8 करेंगे आप लोग, 8 करते हैं आप लोग, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 होगा आपके पास 4, 4 को यदि हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2√2 होगा, कितना होगा आपके पास, ये 2√2 होगा। तो हमें मानक विचलन निकाला हम लोगों ने, कितना निकाल दिया हम लोगों ने, 2√2 मतलब 2√2 निकाल दिया हम लोगों ने। इसका क्या होगा, ये आप लोगों ने क्या निकाल दिया हम लोगों ने, मानक विचलन, क्या निकाल लिया बच्चों, मानक विचलन निकाल लिया। हम जो भी प्रश्न दिया होता है उसका हम लोग क्या करते हैं,
वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल 8 का निकाला हम लोगों ने, कितना आएगा आपके पास, 2√2, 2 वर्गमूल 2 आएगा। तो इसका मानक विचलन आप लोगों ने निकालना सीखा स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, मानक विचलन निकालने की जो प्रोसेस है आपके पास। आप लोगों ने मानक विचलन निकाला, जो इसका आंसर कितना आया बच्चों आपके पास, 2√2, 2 वर्गमूल 2 आया हुआ है। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होता है बच्चों, जिसे हम लोग कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। विचरण गुणांक मैंने आपको बताया हुआ है कि विचरण गुणांक कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। जब भी आपके पास विचरण गुणांक मतलब होता है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, माध्य से डिवाइड करेंगे, तो आप लोग क्या निकल जाता है और किससे मल्टीप्लाई करना होता है हमें, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन विचरण गुणांक निकल के आता है। तो विचरण गुणांक के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसका आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसका हमें विचरण गुणांक फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ है विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का फार्मूला आपको बताया हुआ है, विचरण गुणांक इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन माध्य इन टू 100। इसमें आप लोगों को दिख रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन हम लोगों को फाइंड आउट करना है, साथ में हमें माध्य फाइंड आउट करना है। तो साथ में हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, मानक विचलन निकालना पड़ेगा हमें। मानक विचलन क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं फिर से, मानक विचलन कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रसरण का वर्गमूल करते हैं हम लोग, तो ये आपके पास प्रसरण निकल जाते, अब हमारे पास एक मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है प्रसरण कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रसरण, प्रसरण निकालने की क्या प्रोसेस है आपके पास, आपके पास कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन करते हैं, ये आपके पास प्रसरण निकला हुआ है। प्रसरण के बाद हम लोग ने आपको देखा है, आपके प्रसरण निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली, एक्स बार माध्य की जरूरत पड़ने वाली है, माध्य निकालना पड़ेगा हमें, माध्य एक्स बार निकालना पड़ेगा, एक्स बार निकालते हैं हम लोग। तो माध्य एक्स बार निकालने से पहले आपके पास डाटा दिया हुआ है बच्चों, उसे हम लोग एक्स शो करेंगे, एक्स इक्वल टू 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, आपके पास डाटा दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपके पास डाटा दिया हुआ है बच्चों, डाटा देख लीजिए आपके पास 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 8, 6 आपके पास डाटा दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, एक्स बार निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, एक्स बार मतलब माध्य होता है, माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, समेशन एक्स अपॉन क्या करते हैं हम लोग, एन करते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन करते। तो आपके पास जो जो डाटा दिया हुआ है इसे हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करने पर आप लोग देख रहे हैं 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 अपॉन में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, एन से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, एन से डिवाइड करेंगे। एन कितने आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप लोग इसे 8 से डिवाइड करेंगे, आप लोगों ने 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड करने के बाद आप लोग इसे प्लस करेंगे, प्लस करते चलो 8 और 6, 14 और 18 और 2, 20, 20 और 28, 28 और 6 कितना हो गया आपके पास, 34 हो गया, 3 आ गया, 3 और 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 आ गया, 104 आ गया आपके पास। अपॉन कितने से डिवाइड किया आप लोगों ने, 8 से डिवाइड किया बच्चों, कितने से डिवाइड किया आप लोगों ने, 8 से डिवाइड किया, तो 8 वन जो 8 आप लोग डिवाइड करें, 8 वन जो 8 और 8 3 कितना हो गया आपके पास, 24 हो गया, 13 आ गया आपके पास। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं आप लोग कि एक्स बार की वैल्यूज कितनी आई हुई आपके पास, 13 आई हुई है, कितनी आई हुई बच्चों आपके पास, 13 आई हुई है, एक्स बार की वैल्यूज कितनी आई आपके पास, 13 आई हुई है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं हमें क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए प्रसरण निकालना पड़ेगा पहले। तो प्रसरण निकालने की जो प्रोसेस है, प्रसरण कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन से डिवाइड करते हैं। चलो हम लोग एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालते हैं बच्चों सबसे पहले। तो आप लोग देख रहे हैं एक्स की वैल्यू सबके पास दी हुई है 20, 20 आपके पास दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 20 में से 13 को माइनस करेंगे, कितना आ गया आपके पास, 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों आपके पास, 49 होगा, लिखते जाइए आप लोग 49 प्लस 18 में से 13 को माइनस किया कितना आएगा, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग कितना आएगा बच्चों, 25 आएगा, 25 कर दिया मैंने। देन उसके बाद आप लोग 18 हो गया, 20 हो गया, 16, 16 में से 13 गया कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, प्लस 9 आएगा,
9 के बाद आप लोग 14 पे आए, 14 में से 13 गया, कितना आएगा, एक, एक का स्क्वायर एक हो गया, प्लस प्लस पे करते हैं आप लोग 12, 12 में से 13 गया, कितना आएगा बच्चों आपके पास, वन आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, वन आएगा। फिर आएगा आपके पास 10 में से 13 गया, कितना आएगा, तीन आएगा, तीन का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों, नौ आएगा, नौ आएगा। फिर आप लोग 8 आएगा, 8 में से 13 गया, कितना आएगा, पाँच, पाँच का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, 25 होगा, 25 होगा आपके पास, 8 में से 13 गया, पाँच, और पाँच का स्क्वायर 25 होगा। 6 में से 13 गया, कितना आएगा, सात, माइनस सात, सात का स्क्वायर किया मैंने, कितना आ गया आपके पास, 49 आ गया, आगे 49 आ गया आपके पास, 49 आ गया। इस 49 को आप लोग किस में से डिवाइड करेंगे, एन मतलब आपके पास 8 है, 8 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, तो आपके पास क्या निकल जाएगा बच्चों, पहले प्लस कर लीजिए इसे, प्लस करने पर आप लोग देख रहे हैं, प्लस पहले प्लस कर लीजिए आप लोग, और आपको एन से डिवाइड करना है, तो साथ में क्या निकल जाएगा आपके पास, प्रसन्न निकल जाएगा। 9 और 5 14, 14 और 9 कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया, 9 और 4 23, 24, 25, 25 और 9 कितना हो गया बच्चों, 34 और 5 39, 39 और 9 कितना हो गया आपके पास, 9, 9 18, 48 हो गया, 48 के आप लोगों ने 8 लिख दिया, 8 के बाद आप लोगों को 4 आ गया, तो 4 और 2 6, 6 आ गया आपके पास, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 कितना हो गया आपके पास, 16 हो गया, तो 168 हो गया आपके पास, कितना हो गया बच्चों, 168 हो गया आपको, 168 हो गया, 168 मतलब आपके पास एक आपको निकालना है कि आप लोगों ने 168 में कितने से डिवाइड करूंगा मैं, 8 से डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा बच्चों, प्रश्न सिग्मा स्क्वायर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बच्चों आपके पास, सिग्मा स्क्वायर निकल जाएगा, 8 बन जाए 8, 8 दूनी 16, और कितना हो गया आपके पास, 21 हो गया, कितना हो गया आपके पास, 21 हो गया, तो सिग्मा स्क्वायर मतलब आपके पास प्रश्न निकल के आ गया, 21 निकाल लिया आप लोगों ने। इस 21 के बाद आप लोग क्या निकालना है बच्चों, मानक विचलन, मानक विचलन निकालेंगे आप लोग, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा मुझे, एसडी इजिकल टू क्या होता है, प्रसरण का अंडर रूट किया मैंने, प्रसरण मतलब आपके पास कितना आया हुआ है बच्चों, आपके पास बताएंगे 21 आया हुआ है, 21 का अंडर रूट करेंगे आपके पास, 21 का अंडर रूट किया मैंने, तो 21 किसके बीच में आ रहा है, 16 और 25 के बीच में आ रहा है आपके पास, 21 आएगा मतलब आपके पास कितनी वैल्यूज आएगी बच्चों, 4.5 लगभग आपके पास वैल्यूज आ रही है, अंडर रूट किसकी वैल्यूज आ रही है, 4.5 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपके पास। माध्य आपके पास निकला हुआ है, माध्य एक्स बार एम निकला हुआ है आपके पास, कितना निकला हुआ है बच्चों बताएंगे आपके पास, एक्स बार की वैल्यूज आई हुई है आपके पास 13 आई हुई है, इस 13 को रख दीजिए आप लोग, यहाँ 13 रख दीजिए। साथ में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद आप लोग सीधा फार्मूला यूज करिए आपके पास, विचरण गुणांक का फार्मूला यूज करेंगे आप लोग, हमें विचरण गुणांक निकालना था, विचरण गुणांक निकाल लिया हम लोगों ने, तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एम इंटू 100 होता है आपके पास, ये रख दिया आप लोगों ने। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कितना है, 4.5 है, 4.5 अपॉन में कितना है बच्चों, माध्य मतलब एम की वैल्यूज कितनी है, 13 है, 13 रख दिया आप लोगों ने, इंटू मैंने कितना कर दिया, 100 कर दिया, 100 कर दिया। यहाँ से आप लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए, सबसे पहले आपने 10 रख दिया नीचे, और कितना रख दिया, 13, डेसिमल हम लोगों ने ऊपर से हटा दिया, यहाँ पे डेसिमल बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ पे, और कितना कर दिया हम लोगों ने, इंटू 100 कर दिया हमें। आप लोग देख रहे हैं 10 10 जा कितना हो गया आपके पास, 10 10 जा 100 हो गया, 13 का डिवाइड कर, 13 वन जा 13, वन जा 13, 33 39, 39 6 बज गया, कितना हो गया आपके पास, 60 हो गया, कितना हो गया, 13 5 65 हो गया, 13 2 26, 33 39, 13 54 52, 13 54 52 कर दिया आप लोगों ने, तो 3.4 आ रहा आपके पास। 3.4 में हम लोगों ने कितने से मल्टीप्लाई किया बच्चों, इस 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आपके पास बताएं, इस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो कितना आएगा बच्चों, 3 3 4 0, और कितना आएगा आपके पास, एक डेसिमल के बाद डेसिमल लगा लिए, मतलब आपके पास कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों आपके पास, 34, 34 वैल्यूज आ रही है, मतलब इसका विचरण गुणांक कितना आएगा बच्चों आपके पास, 34 आएगा, कितना आएगा आपके पास, 34 आंसर आ रहा है आपके पास। आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, आप लोगों ने 3.4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे आप लोग, तो कितना आएगा, 34 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 34 आएगा। आप लोग देख रहे हैं इसका आंसर क्या है, 34 है, 34 इज द करेक्ट आंसर है, 34 इसमें आप लोगों ने विचरण गुणांक निकाला है, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 34 आएगा, कितना आएगा आपके पास, 34 आएगा। तो आप लोगों ने देखा, समझा और स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि हम लोग विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, मानक विचलन निकालने के लिए पहले प्रसरण निकालना पड़ेगा, प्रसरण निकालने के पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा, जो आप लोगों ने एक वन बाई वन निकाला है, आप लोगों ने माध्य निकाला, माध्य की वैल्यू से निकाली,
उसके बाद आप लोगों ने क्या किया बच्चों, प्रश्न निकाला। प्रश्न में आप लोगों ने देखा आंसर डिवाइड करें, 21 आया आपके पास, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। प्रश्न के बाद आप लोगों ने मानक विचलन निकाला। मानक विचलन निकालने के बाद आप लोगों ने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट किया, विचलन गुणांक निकल गया। तो आप लोगों ने ये वन बाय वन सॉल्व किया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ये वीडियोस आपको बहुत ही अच्छी लगी, ये वीडियोस को आप लोग लाइक करते हैं तो आप लोग इंस्पायर अकेडमी चैनल के इसे आप लोग आपके फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिएगा, और साथ में इंस्पायर अकेडमी चैनल जो आपका बना हुआ है इसे आप लोग को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, वीडियोस मिलते रहें। आई होप, चलो बच्चों हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों से मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।